गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो, अच्छे ही रहने। तो आज हम लोग आ गए वापस एक नए ब्लॉग के साथ, जिसमें हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। तो हमारे साथ होंगे अली भाई, हमारे अब्दुल्ला भाई। तो चलिए निकलते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। कहाँ हो? जल्दी आओ। अली भाई को हमने ले लिया है अकबरपुर से, अब हम लोग बढ़ रहे हैं सिविल लाइन की तरफ। हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे DSA से, क्योंकि उधर की रोड अच्छी है, लेकिन वहाँ पर लगी है चेकिंग बहुत ही बम्बार्ड। और ये हमारे अली भाई मुंह में भाई डाल नहीं सकते कैमरा, गरीब आदमी भाई, ट्राईपॉड वगैरह है नहीं। आ चुके हैं, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं क्या है कैसा है। लोग आ गए भाई शॉपिंग करने, शॉपिंग मेनली करनी है अली भाई को, मैं भी इनके साथ आया हूँ। इन्होंने कहा चलो मुझे कपड़े लेना है, मैंने कहा चलो, तो अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं भी ले लूंगा। तो चलिए फिर क्लोथ सेक्शन में चल के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फाइनली हम लोग लग्जरी लिफ्ट में आ चुके हैं। लग्जरी चीजें दिखाने दीजिए, हटिए यहाँ। अली भाई को जो है कपड़ा नहीं पसंद आ रहा। भैया हम समझ सकते हैं ये स्ट्रगल, नुरुल्ला रोड से विशाल आने के बाद ये स्ट्रगल होते हैं। सही रहेगी ना गाइस? अपने कप से बड़ा तो कोट पहन रहे हैं, ठीक है, देखें एक बार। ये भाई के मतलब हाइट के हिसाब से चप्पल परफेक्ट है उसके लिए, सही रहेगी ना भाई? अपने लौंडे का देंगे। तुम भी तो मेरे लौंडे ही हो। सही लग रही है, देख लो ना, इनको कपड़ा ही नहीं पसंद आ रहा, पता नहीं क्या है। ऐलान हो रहा है बिना कपड़ा खरीदे इतनी देर तक नहीं टहल सकते। नोजेश 1200, 399, 500, 400, 450। इस कलर का भाई नियॉन नाम है छपरी कलर। छपरी कलर अब्दुल्ला के पास कैसे लगेगा? जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे विशाल मेगा मार्ट में जो है बहुत ही माननीय और सम्मानित व्यक्तियां हैं, तो हम इनको पुरस्कारित करना चाहेंगे। यहाँ आइए, एक बार इसको पहन लीजिए, बस पुरस्कारित तालियां हो जाए एक बार। चेंजिंग रूम में इस चीज की क्या जरूरत थी जिंदगी में? माशाल्लाह से हम लोग तैयार ट्रायल रूम में आए थे, इल्जाम न लग जाए चोरी का। आओ चलो ट्रायल रूम में ट्रायल कर लें तीनों भाई, भाई लोग तीनों भाई ट्रायल करेंगे। बंद करो दरवाजा, बंद करो कैमरा, बंद करो। क्या ले रहे हो? अरे ले क्या रहे, ये तो दिखा दो भाई, कपड़ा देख रहे हैं और कुछ थोड़ी देख रहे हैं। बस बस बढ़िया लग रही है, दोनों हुडी सही लग रही है इनका, देखो हाउलू पे टाइट का। हमारा प्लान ये है कि अली जो भी कपड़ा पहने बस उसको हाँ हाँ बोलते रहो, जल्दी वो कपड़ा ले के निकले यहाँ से। भाई दोस्तों को शॉपिंग कराना ना बहुत ज़्यादा झमेले का काम होता है, एक घंटा ट्राई करेंगे फिर डिसाइड करेंगे फिर पहनेंगे। ये भी अच्छी है, देखो तीनों का साइज भी सही है, तुम भी लग भी अच्छी रही है। एक कमेंट अली की सुंदरता के नाम। बात सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, आकाशवाणी। दो टोहड़ ले लेना है तब भी, और लेना है इनको, खत्म नहीं हुई अभी तक इनकी, बहुत टाइम लगा रहा है ना ये, इतना तो हमारी गर्लफ्रेंड भी नहीं लगाती।
बिल्ला को दे तो दांत साफ कर ले। अली का को अली संबंध संबंध तो अली ने जो है अपनी हुडी अब्दुल्ला को दी थी और अब्दुल्ला ने फिर प्रैंक कर रहे हो क्या अली के साथ? ये लो मिल तो गई, जीवन दान दे दिया उसने तुमको। तुषान भाई बोरा पहन रहे हो क्या? तो गाइस लाल भालू का खिताब मिल चुका है हमारे भाई ने शॉपिंग कर ली है यहाँ से, इन्होंने खरीदी है दो हुडी। तो भाई शॉपिंग तो हम लोगों की हो गई है और अब हम बढ़ रहे हैं घर की तरफ। हमारा प्लान था कि हम लोग शॉपिंग वगैरह करने के बाद कहीं जाएंगे कुछ खाने पीने, लेकिन अब्दुल्ला हमारे भाई को आ गई है कुछ इमरजेंसी तो उसको ज़रूरी काम से कहीं निकलना पड़ा फ़िलहाल के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, अली के घर, और फिर अभी हम लोग थोड़ी देर घर पे रेस्ट लेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे रात के टाइम पे कहीं भी कुछ खाने पीने के लिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट होएगा, उसका व्लॉग आपको फिर उधर ही कंटिन्यू करेंगे। भाई हमारी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी तो हम यहाँ पे रिजवान बाइक सर्विस भाई एक नंबर का काम है, यहाँ हम लोग आ गए थे अपनी गाड़ी धुलवाने के लिए। तो धुल जाती है तो फिर उसके बाद अरे बाप रे बाप फिर निकलते हैं। आ चुका है मेरे घर, मेरे घर के सामने भी आज एंगेजमेंट सेरेमनी है, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं कटरा क्योंकि हम लोग को पेलना है ज़्यादा दावत जिसमें वो खूब ढेर ढेर माल। क्यों भाई? जी भाई खूब ढेर ढेर है, कुछ छोड़ना नहीं रुसान नहीं है बीच में खाने के बीच में। नो पानी पीने से पेट भर जाता है। चलिए अब हम लोग निकल रहे हैं कटरा के लिए, फिलहाल आज अपनी दावत है कटरा में, हमारा फ्रेंड है उसी के घर में शादी है, सिविल लाइन से उठाएंगे अब्दुल्ला भाई को, फिर उसके बाद निकलते हैं कटरा के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, स्टे ट्यून्ड। अच्छा खासा कपड़ा पहने हुए थे उसके बाद भी जबरदस्ती तैयार होने चले गए। भैया इतना टाइम कौन लगाता है भाई, आप तो कपड़ा भी नहीं चेंज करें भाई। यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि हाईकोर्ट वाली रोड पे निकल रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम, और उनके साथ काफ़ी और अधिकारी भी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा घूम फिराना पड़ेगा। फाइनली जैम खुल गया है। तो ये लाए हम लोग भाई के लिए कपड़े, अब भाई तैयार होंगे, मेकअप करेंगे, फिर चलते हैं शादी में। भाई अभी हम लोग को एक सब्सक्राइबर मिले हमारे, बहुत ही खुशी हुई उनसे मिलके, मतलब वो थोड़े एजेड चचा टाइप के थे, तो उन्होंने बताया कि अरे हम तो तुम्हारे लेजेंड होटल वाला व्लॉग देखे हैं, ये वो नहीं काफ़ी ख़राब नहीं अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा फील होता है भाई, ऐसे लोग मिलते हैं अप्रिशिएट करते हैं भाई। 3 साल गुजर चुके हैं, अब्दुल्ला अब तक तैयार नहीं हुआ है। हो गया भाई, हो गया। चलें भाई। तो फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं दावत के लिए, आखिरकार अब्दुल्ला शेख बिन कासिम अल वहाब बिन चतुर्वेदी तैयार होके आ गए हैं, तो चलिए निकलते हैं। तो भाई हम लोग ने पार्टी में जाने से पहले सोचा कि ठंड लग रही सबको, थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं, तो हम लोग आ गए हैं एम बी ए चाय वाला चाय पीने। एक ऐसा लड़का होता है ग्रुप में जिसकी दुनिया फ़ोन होती है, ये वही है। फाइनली हम लोग एम बी ए चाय वाला से चाय पी के निकल चुके हैं, थोड़ा सा मन था सबका चाय पीने का, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्टी में, जहाँ भाई हम लोग आ चुके हैं शादी में रामलीला, अरे पता नहीं जोर से भी ये पैलेस का नाम है। तो
शादी तो अच्छा लग अच्छी लग रही है, उम्मीद करते हैं खाना भी अच्छा होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शादी में तो हम लोग आ गए हैं, लेकिन अब जो व्लॉग मेन जो कंटिन्यू होगा वो खाने के बाद होगा, क्योंकि देखिए पहली जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए खाना, तो मिलता है खाने के बाद। 5 hours later ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटे लगे, लेकिन खाना खा लिया हम लोगों ने। चलिए अब चलते हैं, सामने हुक्के हुक्के का इंतजाम दिख रहा है, पीते हैं फिर। उन्हें दावत खा लिए, सबका पेट भर चुका है 3-4 घंटा का दावत खाने के बाद। अब हम लोग निकल चुके हैं पैलेस के बाहर। चलती पब्लिक। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर करेली की तरफ। ये हमारे छोटे छोटे भाई लोग हैं और ये हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, अली भाई। तो भाई इसी के साथ व्लॉग यहाँ पे एंड होता है ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। भाई मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, जाते हैं दूर दूर, तेल लगता है, पैसा लगता है। तो भाई आपको केवल जो करना है वो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ में।